जमशेदपुर के साक्चे स्थित पुलिस मेस के कुएं में गिरने से आरक्षी रामविलास पासवान की मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सहकर्मियों के द्वारा शव को बाहर निकालकर इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। बता दें कि सूचना पाकर हजारीबाग से मृतक के परिजन शहर पहुंचे। इधर शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां रामविलास को गॉड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। बता दें कि परिजन शव को अपने साथ हजारीबाग के ओरिया गाँव लेकर जाएंगे। जो शव मिला है साक्षी थाना परिसर स्थित कैंटीन के पास में एक कुआं है, उसमें आज प्रातः एक शव मिला है जो हमारे हंड्रेड डायल में कार्यरत पुलिसकर्मी रामविलास पासवान की है। और उसका शव उखल से गायब था, तो उसका शव सुबह में हम लोग कुआं बरामद हुआ। इस संबंध में हम लोग साक्षी थाना में उनके परिजन के आवेदन के आधार पर एक हम लोग दर्ज किए हैं और जाँचों पर आदेश करवा की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आत्महत्या या सर की पता चलेगा कि क्या है नहीं है, और उनके परिजन अभी आ रहे हैं। कुछ लोग जो आए हैं, कुछ लोग अभी आने बाकी हैं, और जिस प्रकार का आवेदन उन लोग देंगे तदनुसार। क्या जमशेदपुर में अकेले रहे? अकेले रहते थे जमशेदपुर में, बैरक में रहते। कितने दिनों से जमशेदपुर में पोस्टेड थे? ये करीब एक साल से यहाँ करीब पदस्थापन दिए, रामगढ़ से स्थानांतरित होकर गया था, और अभी ये 2 माह का छुट्टी भी काट करके 4 दिन पहले आए थे। पारिवारिक कुछ बना के बात हो पाई? भी इस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम था या नहीं था, लेकिन ये है कि सब तो उसका मिला है। हम लोग पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाएंगे कि क्या ड्रेस में थे। ये सिविल में थे और कपड़े के साथ ही। कितने दिन से ड्यूटी नहीं आ रहे थे? ये तो 4 दिन पहले ही अवकाश से आए हैं। ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए थे? ज्वाइन नहीं किए थे, आज ज्वाइन करके ड्यूटी नहीं कर रहे थे। कुछ डिप्रेशन में थे, जैसा कि साथी पुलिसकर्मी द्वारा बताया गया था, कुछ उनको डिप्रेशन था। अभी हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? हजारीबाग के ओरिया के रहने वाले।